तो कैसे हो आप सभी लोग, होप यू आर वेल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। अगर कोई पेशेंट है जिनको थायराइड की बीमारी है तो डॉक्टर उनको थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाने के लिए ज़रूर बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भाई थायराइड होते क्या हैं। तो थायराइड हमारे शरीर में एक ग्लैंड होती है जिसे हम ग्रंथि भी कहते हैं। इसका जो शेप है वो बटरफ्लाई शेप का होता है, जो कि हमारे गर्दन के आगे वाले हिस्से में ये पाई जाती है, जो कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं। ओके, थायराइड ग्लैंड के हमारे शरीर में कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एनर्जी के जनरेशन मतलब प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है थायराइड ग्लैंड। और हमारे मूड को स्टेबल करने के लिए थायराइड ग्लैंड का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे शरीर में। अब हम बात करते हैं भाई जो थायराइड ग्लैंड हैं उनसे कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड से दो तरीके के जो हार्मोन है वो सिक्रेट होते हैं। सबसे जो पहला हार्मोन है वो T3 हार्मोन, जिसे हम ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन भी कहते हैं। और सेकेंड हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, जिसे हम T4 हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो थायराइड प्रोफाइल टेस्ट है उसमें तीन तरह के हार्मोन को मेजर किया जाता है, उनके लेवल को देखा जाता है हमारे ब्लड में। सबसे जो पहला है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम THH हार्मोन भी कहते हैं। सेकंड है थायरोक्सिन T4 हार्मोन भी कहते हैं। और थर्ड है ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन, जिसे हम T3 हार्मोन भी कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं भाई जो थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो हमारे शरीर में कैसे सिक्रेट होता है। तो थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम थायरोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, जो कि हमारे ब्लड में सिक्रेट होता है। एक ग्लैंड होती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के ये वाले हिस्से में वो पाई जाती है। इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सिक्रेट होता है हमारे ब्लड में। ठीक है, जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे ब्लड में सिक्रेट होता है तो वो सिग्नल भेजता है हमारे मतलब थायराइड ग्लैंड को। तो इसी वजह से थायराइड ग्लैंड से T3 एंड T4 हार्मोन है वो सिक्रेट होता है। एक और हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे हम कैल्सिटोनिन हार्मोन भी कहते हैं। तो ये तीनों हार्मोन है वो हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, किसके द्वारा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की के द्वारा। ओके, अब हम बात करते हैं भाई दो तरीके के इसमें जो टर्म होते हैं। सबसे जो पहला टर्म होता है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंड होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि जब हमारे थायराइड ग्लैंड से बहुत ज़्यादा अमाउंट में T3 एंड T4 हार्मोन का सिक्रेशन होता है, उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। मतलब कि हमारे ब्लड में थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म के कई सारे सिम्टम होते हैं। सबसे जो पहला सिम्टम है वो वेट लॉस है। पेशेंट में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उनमें वेट लॉस होगा, रैपिड उनकी हार्ट बीट हो सकती है, उनको ट्रीमर होने की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको बहुत ज़्यादा पसीना स्वेटिंग होने की उनको प्रॉब्लम रहेगी, एंजाइटी आने की उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, इंक्रीज द सेंसिटिविटी टू हीट, मतलब कि पेशेंट बहुत ज़्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा। तो ये सारे जो सिम्टम होते हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम होते हैं। ओके, सेकेंड जो टर्म होता है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि जब थायराइड ग्लैंड से बहुत कम मात्रा में T3 एंड T4 हार्मोन का जब सिक्रेशन होता है, उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इनके कई सारे सिम्टम होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। तो सबसे जो पहला है वो वेट गेन, पेशेंट का जो फ्रीक्वेंटली जो वेट है वो बढ़ने लगेगा, फेटिक मतलब उनके शरीर में थकान रहेगी, स्लो उनकी हार्ट रेट है वो स्लो हो जाएगी, इंक्रीज द सेंसिटिविटी टू कोल्ड, पेशेंट बहुत ज़्यादा सर्दी को सहन ठंड को वो सहन नहीं कर पाएगा, पेशेंट को डिप्रेशन होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके जो हेयर हैं वो थिन हो जाएंगे, ड्राई हो रह जाएंगे। तो ये सारे जो सिम्टम हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई थायराइड प्रोफाइल टेस्ट क्यों करवाया जाता है। तो थायराइड प्रोफाइल टेस्ट इन्हीं दोनों बीमारियों मतलब कि हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म के डायग्नोस करने के लिए थायराइड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है। सेकंड जो इसका जो कारण है करवाने का वो है, अगर कोई पेशेंट है जिनको ये दोनों बीमारी हैं हाइपो एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, तो जो मेडिकेशंस ले रहे हैं वो मेडिकेशन किस तरह से इफेक्टिवली काम कर रही है नहीं कर रही है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी डॉक्टर हैं वो पेशेंट को थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाने के लिए बोल सकते हैं। और लास्ट जो रीज़न है इसका है वो है इनफर्टिलिटी के कारण को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी थायराइड प्रोफाइल टेस्ट है डॉक्टर पेशेंट को करवाने के लिए बोल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो थायराइड प्रोफाइल टेस्ट है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो थायराइड प्रोफाइल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले पेशेंट के हाथ से ब्लड को निकाला जाता है, उस ब्लड को वायल में भर दिया जाता है जिसमें एंटीकोगुलेशंस होते हैं। ओके, और उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया जाता है और बाय इक्विपमेंट की हेल्प के द्वारा उसके हमें थायराइड प्रोफाइल टेस्ट में जितने भी जो हार्मोन है तीनों हार्मोन उसके लेवल को देखा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई हमने थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवा लिया है, ब्लड कलेक्शन कर लिया है, टेस्ट भी हो गए हैं, तो हमारे नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए तीनों हार्मोन की।
तो ये जो नॉर्मल रेंज है जो कि आपको एरिया के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को आपको मिल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो रेंज है वो यही है। ओके, देखिए सबसे जो पहला जो हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 0.4 से लेकर 4.0 मोल इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के बीच में होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है थायरोक्सिन, जिसे हम T4 हार्मोन कहते हैं, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 5.5 से लेकर 11.5 माइक्रोग्राम पर डेसिलीटर के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट जो हार्मोन ट्राइआइडोथायरोनिन हार्मोन, जिसे हम T3 हार्मोन भी कहते हैं, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 80 से लेकर 220 नैनोग्राम पर डेसिलीटर के बीच में होनी चाहिए। तो ये रेंज है जो कि आपके शरीर में नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आपको मिलेगा। सबसे पहले जय हिंद, वंदे मातरम।